नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की बिगल तो बज ही चुकी है और आप देख सकते हैं ये नज़ारा जो है ये मगध महिला कॉलेज के बाहर का नज़ारा है और यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वो अब इकट्ठा हुए हैं और अपने प्रतिनिधि के लिए यानी जो खड़े हुए हैं जिस पार्टी से उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। टी शर्ट पे भी जो कैंडिडेट है उनका नाम है और वॉलेट नंबर के साथ एक पर्ची बांट रहे हैं, तमाम छात्राओं को दे रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि वो उस कैंडिडेट को वोट करें। हम इनसे बात करते हैं, किन मुद्दों के साथ आप लोग छात्राओं के पास जा रहे हैं और बात कर रहे हैं? जी, पटना यूनिवर्सिटी में कुछ भी कमी हो उसका पूर्ति के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट निशांत कुमार हैं जो CRJD पद से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनसे हमें उम्मीद है। मुद्दे क्या हैं आप? मुद्दे ये कॉलेज में कैंपस साफ सफाई अच्छा होना चाहिए, पानी का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए और जो गुंडे थी लफंगे लोग आकर घूमते रहते हैं उनसे कंट्रोल होना चाहिए, प्रोटेक्शन बड़ी अच्छा होना चाहिए और सारे कॉलेज में पढ़ाई अच्छे होना चाहिए। टीचर की यहाँ कमी है, काम करने की कोशिश रहेगी सर, जो भी प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट को वो सारे इशू पे काम किया जाएगा एकदम बेसिक स्तर से। क्या रिस्पांस मिल रहा है छात्रों और छात्राओं का? रिस्पांस बहुत अच्छा है सर, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। यस सर, चलिए। और ये तमाम अभी निशांत कुमार का सपोर्ट में लगे हुए हैं जो पटना यूनिवर्सिटी से वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो एक अच्छे उम्मीदवार हैं और उन्हें चुनाव सब मिलकर अपील करते हैं कि वोट करें और उनको जिताएं। चलिए, आप बताइए सर, छात्र छात्राओं के पास जा रहे हैं और ये पर्ची भी दे रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? और मैं अभी सबसे अच्छा मुद्दा ये पकड़ा है कि जो फी बढ़ाई जा रही है यूनिवर्सिटीज़ में और ये और फिर थोड़ा ये आरक्षण का मुद्दा जो अभी आरक्षण कम करा जा रहा है उसके लेकर हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वोट अपील कर रहे हैं ये और जो प्रतिनिधि कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनके लिए ये जो छात्र हैं वो अब पर्ची लेकर छात्र छात्राओं के पास जा रहे हैं, अपने मुद्दे को बता रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये मगध महिला कॉलेज के बाहर का नज़ारा है और ये ज़मीन पे जो पसरा हुआ ये पर्ची देख रहे हैं। इस पर्ची में तमाम जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में उनके नाम हैं, उनके वॉलेट नंबर हैं और तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या छात्र जो छात्र नेता हैं वो अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वोट अपील कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। किन मुद्दों को लेकर स्टूडेंट के बीच जा रहे हैं? देखिए, हम लोग जन अधिकार छात्र परिषद से हैं और पटना विश्वविद्यालय में जो पिछले चुनाव में समस्या थी वही आज समस्या है, क्योंकि पिछले बार चुनाव में देखे होंगे छात्र जदयू और भाजपा के ABP जीते थे लेकिन पटना विश्वविद्यालय की कोई समस्या दूर नहीं हुई है। हम लोगों ने पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं से बोले हैं कि अगर हमारी पार्टी जन अधिकार छात्र परिषद AISF जीत के आती है तो पटना विश्वविद्यालय की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्लेसमेंट सेल जो यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद जॉब नहीं मिलता उसके लिए गठन होना चाहिए और फुली रेसिडेंटल बनाना चाहिए। इसे 22,000 स्टूडेंट है लेकिन 1500 हॉस्टल के लिए है, इसके लिए हम लोग फुली रेसिडेंटल के लिए लड़ाई लड़ेंगे और मगध महिला का ओवर ब्रिज के बाद है इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और पटना विश्वविद्यालय में जो शिक्षा की कमी है, घोर कमी है, उसको दूर करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते आए हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है छात्र छात्राओं से? छात्राओं को अच्छे रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि इससे पहले आप देख लीजिए छात्र जदयू और BJP के लोग जीते थे, कोई समस्या दूर नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, इसीलिए इस बार लोगों ने तय किया है कि जन अधिकार छात्र परिषद और AISF को जिताएंगे। क्योंकि आप देख लीजिए ना, वो लोग जो भी जीते थे जीतने के बाद अपने अपने पार्टी के झंडा ढोने लगे, पार्टी छात्र छात्राओं के हक की बात कहीं करवे नहीं किए, वो लोग सीनेट हॉल और VC से गायब हो गए वो लोग। अच्छा, AISF का समर्थन लेना जन अधिकार छात्र परिषद को क्यों जरूरी पड़ गया इस छात्र संघ चुनाव में? नहीं, देखिए, हम लोग देश को बर्बाद करने के लिए BJP और जदयू आ सकता है लेकिन हम लोग पटना विश्वविद्यालय को बचाने के लिए जन अधिकार छात्र परिषद AISF
गठबंधन इसलिए किया है कि दो संघर्षशील छात्र संगठन है जो छात्रों के हित के लिए गठबंधन किया है, छात्रों के समस्याओं को दूर करने के लिए गठबंधन किया है, पटना विश्वविद्यालय के समस्याओं को बदहाली को दूर करने के लिए गठबंधन किया है, पटना विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को हॉस्टल दिलाने के लिए गठबंधन किया है, इसलिए हम लोग गठबंधन किए हैं। चलिए, तमाम जितने भी पार्टियां हैं जिनके छात्र नेता खड़े हो रहे हैं उनके लिए वोट अपील किया जा रहा है। इस साइड का नज़ारा भी आपको हम दिखा दें, कुछ छात्राएं हैं जो कि अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट अपील कर रही हैं, हाथों में पर्ची लिए हुए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये किनके लिए वोट कर रही हैं इनसे भी हम बात करने वाले हैं, किन मांगों को लेकर छात्र छात्राओं के पास है और किन मुद्दों को लेकर जा रही है। गुड मॉर्निंग, आई एम पल्लवी और यहाँ यूनिवर्सिटी का इलेक्शन होने जा रहा है और यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात चल रही है, लड़की की सेफ्टी की बात चल रही है, बहुत सारे फैकल्टी में फैसिलिटीज़ बहुत कम है तो उसकी बात चल रही है, लड़की को हर जगह सेफ नहीं किया जा सकता। के लिए वोट अपील कर रही है। मैं एक मेरा फ्रेंड है इंडिपेंडेंट, वो है नीरज कुमार यादव, मैं उसके लिए अपील कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा है, उसने अपने कॉलेज से भी सेंटर पैनल पे अपने कॉलेज से ही वो जीता था तो वो बहुत सारे काम किया था, तो मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि वो जीते और फिर से पूरे कॉलेज पूरे पटना यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा काम करे, क्योंकि बहुत से लोग जीत के जाते हैं लेकिन हम लोग से कभी मिलने नहीं आते, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो, मैं चाहूँगी कि मेरा फ्रेंड है तो वो जीते। और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो अभी सही आ रहा है, अब 7 तारीख को ही पता चलेगा रिजल्ट क्या है। बहुत सारी पार्टियाँ भी उतरी हैं। हाँ, बहुत सारी पार्टियाँ भी हैं, सब सही है, टक्कर पे है सब, बस हो जाए 7 तारीख को निकल जाए। सब कोई दावे कर रहे हैं जीत अपनी ही होगी, मगर देखना यह है कि 7 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है छात्र छात्राएं किसे वोट करते हैं, मगर यहाँ का तस्वीर और यहाँ का नज़ारा भी हम आपको दिखाए कि यहाँ पर जो है, हाँ, कुछ आम छात्र भी हमारे बीच हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए, आज बहुत सारे पार्टियाँ चुनाव लड़ रही है, आम छात्र से हम अपील करते हैं चुनाव के माध्यम से कि ऐसे कैंडिडेट को वोट ना दे जो बोले कि वोट फॉर JDU, वोट फॉर RJD, वोट फॉर JCB, वोट फॉर ऐसा, वोट फॉर ASF। ऐसे छात्र को वोट दे, ऐसे कैंडिडेट को वोट दे जो वोट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, वोट फॉर कैंपस प्लेसमेंट, वोट फॉर हॉस्टल का जो मुद्दा है उस मुद्दा पे बात करें, जो मुद्दा पे बात करें उसी को वोट करें। हम इस चुनाव के माध्यम से, कैंपेन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम छात्रों से अपील करते हैं। बहुत सारी पार्टियाँ भी आ रही हैं, बहुत सारे निर्दलीय कैंडिडेट भी है, क्या लगता है कौन छात्रों के हित के लिए बात कर रहा है और किस ओर आप लोगों का झुकाव? नहीं, किसी पर विश्वास नहीं है। आप बात कीजिएगा छात्र JDU का, पिछले बार उनको कामयाबी मिली है, JCP पे बात कीजिएगा 17 के चुनाव में उसको कामयाबी मिली है, किस मुंह से ये लोग वोट मांग रहे हैं? ABP को कामयाबी मिली है, किस मुंह से वोट मांग रहे हैं वो? इसलिए सब आपके चैनल के माध्यम से हम सबको अपील करते हैं कि ऐसे छात्र को वोट दें, ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो वोट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, वोट फॉर कैंपस प्लेसमेंट, वोट फॉर हॉस्टल का जो सुरक्षा का। अभी कौन लग रहा है कि ये सब बातों को उठा रहा है? अभी इस तरह का कैंडिडेट नहीं लग रहा। आप निर्दलीयों को चांस दें, उस तरह का एक दो कैंडिडेट है जैसे वाजिद शम्स हुए, और एक दो कैंडिडेट है जो पार्टी से ऊपर लेवल की बात करती हैं। कुछ छात्र हैं जो कि इनका साफ तौर पे कहना है कि निर्दलीय कैंडिडेट कुछ हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। बहरहाल तस्वीरें कुछ और हैं अभी मगध महिला कॉलेज की, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो छात्र छात्राएँ और मगध महिला कॉलेज से जो छात्राएँ निकल रही है बाहर, उसे लोग जो है उनसे बात कर रहे हैं, और जो वोट अपील करने आए हैं छात्र वो भी उनसे बात कर रहे हैं, और ये जो पर्ची है जिसमें वैलिड नंबर लिखा हुआ और कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, इनसे हम बात करेंगे। किनके लिए आप अपील कर रहे हैं वोट अपील? जन अधिकार छात्र परिषद, जो मनीष कुमार वैलिड नंबर 4 है, हम पप्पू बिंगता हैं, जो बांट रहा तो मनीष कुमार जो जितने मेहनत, हर बार तो हर पार्टी वाले जीत के जाते हैं, 2017 में ABP, 2018 में JDU, छात्र JDU कुछ नहीं किया, बोला था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे मगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला, लड़कियों के लिए फी माफ़ है, जो जितना मांझी जी सरकार बने 2015 में तो माफ़ कर दें, जिस लड़की का KG तो PG तक फ्री पढ़ाई होगा मगर यहाँ पर 8,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। छात्राओं से रिस्पॉन्स मिल रहा है कि छात्र परिषद जीत रहा है, मनीष कुमार जीत रहे हैं, मनीष कुमार कोई टक्कर ही नहीं है, टक्कर में मनीष कुमार जीत रहे हैं, मनीष कुमार 1000 वोट से लीड कर रहे हैं, 1000 वोट से मनीष कुमार लीड कर रहे हैं। आपने अनुमान लगा लिया? अनुमान लगा लिए हैं, मेरी बहन लोग सिस्टर लोग है जो पूरा कर दिया, मनीष कुमार ही तो मनीष कुमार। चलिए, दावे तो है कि 1000 वोट से मनीष कुमार जीत रहे हैं, पर ये दावे कितने सत्य होते हैं वो देखना होगा। तमाम लोग और हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाथों में पर्ची है, वॉलेट नंबर है और नेम है। सबसे पहले आप बताइए किनके लिए वोट अपील कर रहे हैं और हाथों में जो
जो वैलेट है वो क्या है? एबीपी है प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार रोशन कुमार, और भोजपुरी के लिए है मोहित राज, और जनरल सेक्रेटरी के लिए प्रियंका श्रीवास्तव, और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए अभिनव कुमार, और ट्रेजर के लिए अमरेश कुमार। अच्छा, किन मुद्दों के साथ छात्र छात्राओं के बीच जा रहे हैं? जैसे कि हम लोग का कॉलेज में बहुत कॉलेज में स्पोर्ट्स का एनसीसी का बहुत प्रॉब्लम है, जो कि आप मान के चलिए बीएन कॉलेज है हम लोग का, जहाँ हम लोग को पढ़ते हैं, वहाँ पे ग्रेडिंग का नेक का टीम आई थी, वहाँ पे कुछ ग्रेडिंग दिया ही नहीं गया। अच्छा। और एनसीसी का है ना स्पोर्ट्स का कुछ नहीं है, एनसीसी वाले को सीधा बोलता है कि आप तंबू बना के रहिए और वहाँ पे मतलब कि आप लोग रहिए तंबू बना के। दिया गया था 15 दिन का टाइम, तो वहाँ दिया नहीं भवन, मतलब कि रूम दिया नहीं, तो इसलिए वो लोग क्या किया चल गया पटना कॉलेज। अच्छा, बहुत सारे पार्टी भी इस दंगल में हैं और बहुत निर्दलीय भी कैंडिडेट उठे हैं, क्या लगता है कितना मतलब कि टक्कर देखने को मिलेगा इस बार छात्र संघ? कोई टक्कर नहीं है, सब उखाड़ के फेंक देंगे। अब रोशन कुमार इस बार एबीपी, रोशन कुमार वोट फॉर एबीपी, कोई टक्कर नहीं है। जदयू जी सब खत्म, इस बार सिर्फ एक ही बार पार जीतेगा एबीपी फिर से। हाँ, फिर से रोशन कुमार। जेडीयू आए थे और इस बार तो दावे हो रहे हैं कि एबीपी, बहुत सारे और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर आप बताइए किन दावों के भी मतलब कि जो मांग है, जो दावे हैं आप लोग छात्र छात्राओं के पास जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग इससे पूर्व में भी पटना यूनिवर्सिटी में आप लोग जीत के आए हैं। अच्छा। स्टूडेंट छात्र छात्राएं भी काफ़ी एक्सेप्ट करते हैं आप लोगों से, इस बार क्या मुद्दे हैं? देखिए, पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ पिछले 2 साल से लगातार हो रहा है। जी जी। और उसमें सभी पार्टी के लगभग अध्यक्ष जीत चुके हैं, लेकिन अभी एबीवीपी का अध्यक्ष एक भी बार जीत के नहीं आया। अच्छा, ठीक ना। तो हम पटना विश्वविद्यालय के कैंडिडेट तो जीतते रहे हैं, मेरे कैंडिडेट और पैनल के जीतते रहे हैं, लेकिन अभी अध्यक्ष हम लोग का नहीं आया। अच्छा। और हम लोग पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव बस यही जानते हैं कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव का मतलब एबीवीपी, और एबीवीपी का मतलब रोशन कुमार, और रोशन कुमार का मतलब बैलेट नंबर 9। बहुत सारे और भी कैंडिडेट उठे हैं, क्या लगता है कोई टक्कर देखने के लिए मिलेगी? एकदम लाइन में ना, एकदम कोसों दूर है, कोई टक्कर में नहीं है, सब बढ़िया है। रोशन कुमार कम से कम 1000 से 1200 वोट का मार्जिन रहा है, लीड अभी तो लीड कर रहे हैं हर कॉलेज में। जब आप लोग वोट के लिए वोट अपील करने जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, छात्र छात्राओं का क्या रिस्पांस होता है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, हर ज्यादा से एबीपी का हम झूठा वादा नहीं करते हैं कि पीयू से सीयू बनाएंगे। अभी अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नया की टीम ने सी ग्रेड दिया है विश्वविद्यालय को, तो हम लोग झूठा वादा नहीं करते हैं, जो जमीनी स्तर का बात होता है हम लोग वही करते हैं। और इस बार 5 पैनल से और खासतौर पर अध्यक्ष पद से 1000 से हम लोग लीड कर रहे हैं, और 7 तारीख को 12 बजे रात में आपको पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। वोट का मार्जिन हम लोग का 1200 से लीड कर रहे हैं। चलिए, 1200 से लीड कर रहे हैं, 7 तारीख को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कौन पटना विश्वविद्यालय में जीत का झंडा लहराता है। हालांकि तमाम जितने भी कैंडिडेट हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, और ये जमीन पे बिखरे जो पर्ची हैं ये साफ साबित करते हैं कि किस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है। और देखिए, कुछ छात्राएँ भी हैं जो कि यहाँ पर आई हैं और वोट अपील कर रही हैं, हाथों में पर्ची है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किन के लिए वोट अपील कर रहे हैं? चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें, और यहाँ पर जो है वो कैंपेनिंग चल रहा है कैंडिडेट के लिए। छात्र भी जो हैं हाथों में पर्ची लिए हुए, और कई पार्टी के जो छात्र नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और वोट अपील कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख ही सकते हैं, मगध महिला कॉलेज के बाहर की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर अपने अपने कैंडिडेट के लिए तमाम जो लोग हैं वो हाथों में पर्ची लेकर वोट अपील कर रहे हैं। देखना यह है कि 7 तारीख को क्या रिजल्ट होता है, किसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। हालांकि दावे तो सभी कोई कर रहे हैं कि जीत हमारी होगी, और 1000 से अधिक वोट से जीत भी रहे हैं, कोई चक्कर में नहीं है। वक्त बताएगा 7 तारीख पटना यूनिवर्सिटी में कौन विजय रथ पर सवार होगा। दैज न्यूज़ तमाम तस्वीरें आप तक पहुँचाती रहेगी। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत